अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। हरि हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपजा दिन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति धन्य धन्य तीन ही थे काज सब आज भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्रचूड़ामणि नामक ग्रंथ के आधार से दीपावली के पहले तक हम यहाँ 32 सूत्रों की चर्चा दूसरे अध्याय के यह कर चुके हैं। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस बहुत धूमधाम से यहाँ भी मनाया होगा। हमने भी मंगलायतन में 5-6 दिन शिविर के माध्यम से वो बड़ा आयोजन करके बहुत सुंदर रीति से मनाया। फिर वहाँ से वापस लौटते हुए मथुरा का एक कार्यक्रम था और कुछ दिन के अंतराल बाद आज हम वापस यहाँ प्रकरण को शुरू कर रहे हैं। पिछला प्रकरण आप सभी को ख्याल में होगा, इस उम्मीद से मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ। पेज नंबर 148 क्षत्रचूड़ामणि ग्रंथ दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 33 नंबर का यह श्लोक है। चर्चा चल रही थी गुरुओं के संदर्भ में, प्रकरण लगातार नीति के बताए जा रहे थे। गुरु को देखकर, गुरु के सरल हृदय को देखकर जीवंदर कुमार का चित्त अत्यंत प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्न हुआ, मन में बहुत प्रसन्नता का भाव जागृत हुआ कि अरे कितने सरल हैं हमारे गुरु। और जो महिमा पहले शिक्षा प्राप्ति के दौरान उसके हृदय में थी, मानो वो महिमा और अधिक बढ़ गई हो। गुरु शिष्य का परस्पर में परिचय हुआ, गुरु कैसे होते हैं और सच्चे शिष्य कैसे होते हैं, इनकी भी हमने अपेक्षित विस्तार से चर्चा की। हमारे गुरु मुक्ति के साक्षात कारण होते हैं, माने गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर यदि ये व्यक्ति चले तो मोक्ष की प्राप्ति करे। लेकिन गुरु कौन, इसकी भी चर्चा हुई यहाँ कि वे सच्चे गुरु किस प्रकार के होते हैं। न केवल गुरुओं की चर्चा की, उन गुरुओं के योग्य शिष्य कौन हो सकते हैं उसकी भी विस्तार से चर्चा हुई। गुरु कैसे हो सकते हैं इसकी चर्चा हमने एक दिन की थी, और शिष्य कैसे होने चाहिए इसकी चर्चा हमने 2 दिन की है। माने कुल मिलाकर के अपने आप को तलाशने और तराशने की जरूरत है। हम कैसे हैं और हमें कैसा होना है, कैसा बनना है, ये संपूर्ण द्वादशांग में जनवाणी आत्मकल्याण और अपने सुधार के लिए ही है। देखिए, जो व्यक्ति गुरु से द्रोह करता है उसकी विद्या का नाश हो जाता है, यह बात इस आगामी श्लोक में कह रहे हैं। गुरु द्रोहां गुण को वा कृतघ्नानां न नश्यति विद्यापि विद्युदाभास्याद् मूलस्य कुतः स्थिति। नीतिकारों का श्लोक है।
गुरु से द्रोह करने वाले, गुरु से विद्रोह करने वाले, कृतघ्नि उपकार को भूलने वालों का कौन सा गुण नष्ट नहीं होता है? क्या जो व्यक्ति गुरु से विद्रोह करते हैं उनका कौन सा गुण नष्ट नहीं होता? अर्थात सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। उन लोगों की विद्या भी बिजली के समान क्षण स्थायी होती है। ठीक ही है, जड़ रहित वृक्ष की स्थिति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। जिस तरह से जड़ें खत्म हो जाने पर वृक्ष टिक नहीं सकता, जड़ें नष्ट हो गई अब वृक्ष नहीं टिक सकता है। वृक्ष के टिकाए रखने के लिए जड़ें मजबूत होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ बात कह रहे हैं कि गुरु से विद्रोह करने वाला व्यक्ति, उसने अपनी जड़ें हिला दी। जितना जो कुछ सीखा है वो तो गुरु के माध्यम से सीखा है ना, मूल तो वहाँ है। जो कुछ भी सीखा है वो मूल तो वहाँ है। अब गुरु से किया विद्रोह, गुरु से विद्रोह का अर्थ गुरु की बात को स्वीकार नहीं करना, गुरु की बात को मानना नहीं, गुरु की बातों में उल्टे सीधे तर्क वितर्क करना, गुरु के प्रति बहुमान का भाव न आकर मैं नहीं मानता, क्या अब मेरे से तो नहीं हो सकता, अब कह दिया तो क्या हो गया, अब वो कह रहे होंगे, अब कह तो रहे हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई साहब। अभी वहाँ भी मंगलायतन में भी काफ़ी चर्चा इस संबंध में हुई। ब्रह्मचारी समत प्रकाश जी ने भी इस संबंध में काफ़ी प्रकरण लिए, माने गुरुओं के प्रति किस तरह का बहुमान का भाव होना चाहिए। आपको पता नहीं है गुरु के हृदय में क्या चल रहा है, आपको पता नहीं है वे गुरु क्या, उनको फ्यूचर दिख रहा है, आपको वर्तमान में कष्ट दिख रहा है, लेकिन वे आपका जीवन निर्माण करने वाले हैं। इसलिए गुरु की बातों को अंध होकर के स्वीकार किया जाए। हिसाब अंध भक्ति तो हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारे यहाँ जैन दर्शन तो परीक्षा प्रधान ही है। आप कह रहे हो अंध होकर के गुरु की बातों को स्वीकार करें कि हाँ ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन अंध होकर स्वीकार करने के पहले गुरु का पक्का निर्णय कर लेना। समझ में आ रही है बात? एक बार परीक्षा प्रधानी होकर के गुरु का सच्चा निर्णय कर लिया, ये हमारे योग्य गुरु हैं, ये स्वार्थी नहीं है, इसमें इनका कुछ स्वार्थ नहीं है, ये हमारा ही भला करने वाले हैं, ये जो बात कहते हैं इनके द्वारा कही गई बात पूर्वाचार्यों से मिलान खाती है, ये जो बात कह रहे हैं ये बात भगवान महावीर स्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है, ये वीतरागता में धर्म बतलाते हैं, ये राग में उलझाने और फंसाने वाले नहीं है। पक्का हमने जब गुरु का निर्णय कर लिया, आफ्टर दैट अब आप सबमिशन हो जाना चाहिए उनके प्रति। क्या माने अब जो गुरु कह रहे हैं, अब ये मत सोचना कि यार ये तो कह रहे हैं ये छोड़ने के लिए, अभी इन्होंने तो कह दिया छोड़ दो मैं फंस जाऊंगा जबरदस्ती, नहीं, कोई नो ऑब्जेक्शन, जो कह दिया है उसे स्वीकार करो, श्रद्धा से स्वीकार करो, बहुमान से स्वीकार करो, विद्रोह नहीं करना किसी भी बात में, गुरु की गलतियां नहीं निकालना। क्या यहां तो वो भी चूक गए, नहीं नहीं इस मामले में मैं नहीं स्वीकार करता उनकी बात को, तुम भैया तुम जानते नहीं हो गुरु गुरु ही होते हैं। देखें जरा सरल अर्थ के बाद क्या कहते हैं, सरल अर्थ पढ़ें पहले। अखंडी का तो विद्रोह कर सकते हैं, वो गुरु ही नहीं है ना, गुरु के निर्णय में पहले बात आ गई ना, बाद में पता लगा। हाँ वो गुरु नहीं थे, तो बैरूपिया हो सकते हैं, वेशधारी हो सकते हैं, जिन्होंने वेश बाहर में धारण किया हुआ हो अपने आप की प्रशंसा के लिए भी और जगत के जीवों को ठगने के लिए भी, ऐसे ऐसे जगत में कई मिल सकते हैं इस तरह के। किसी का नाम लेकर के उल्लेख करना जरूरी नहीं है, अपने मन में समझना और स्वयं व्यक्तिगत निर्णय की बात है भाई, ये तो समाज की बात नहीं है, व्यक्तिगत निर्णय करो आपको किन के बताए हुए मार्ग पर चलना है। आप व्यक्तिगत निर्णय करो कि हम इनकी बात मान रहे हैं, ये हैं कैसे, इस बात को आप पहले गहराई से समझ लीजिए। देखिए सरल अर्थ, जैसे जड़ रहित वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता, बिना जड़ के कहाँ खड़ा रहेगा वो वृक्ष,
वह गिर पड़ता है, नष्ट हो जाता है। वैसे ही गुरु से द्रोह करने वाले कृतघ्न जीवों के सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। उनकी विद्या भी बिजली के प्रकाश के समान देखते देखते ही क्षणध्वंसी होती है। बिजली के प्रकाश के समान बिजली तो चमकी और नष्ट हो गई, और यदि सिर्फ बिजली हटा करके प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश के समान देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश बहुत दिखाई दे रहा है और देखते ही देखते, अभी इस शीतकाल के मौसम में अभी तो बहुत दिन दिख रहा है, और देखते ही देखते 10-15 मिनट में एकदम और रात हो गई, ये क्या हुआ, ऐसे ढल जाता है ना दिन, प्रकाश दिखते दिखते ही एकदम खत्म हो जाता है, एक क्षण ध्वंसी होती है। देखिए विशेष अर्थ में क्या कहते हैं, गुरु का अर्थ यहाँ लौकिक अलौकिक ज्ञान देने वाले अध्यापक अथवा अपने से बड़े माता पिता भाई आदि से अपने लिए उपकार करने वालों से है। तो ये सब गुरु को गुरु में शामिल किया है इनको, माने आज्ञा मानने का सवाल है ना, जहां जिस जगह पर आज्ञा मानने के सवाल की चर्चा चल रही है तो कह रहे हैं तुम्हारे माता पिता तुम्हारा बुरा नहीं सोचेंगे, वो भले ही तुम्हारे कोई कह रहे हैं सुबह डांट करके भी कोई बात कह रहे हैं, यहां तक कि पिटाई करके कोई बात कह रहे हैं, चाटा लगा करके कोई बात कह रहे हैं, उसके बावजूद भी वे तुम्हारा उपकार ही करना चाहते हैं। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है। कितनी बातें कह दी, लौकिक गुरु का अर्थ क्या, लौकिक ज्ञान देने वाले, लौकिक ज्ञान देने वाले भी हो सकते हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक, कक्षा में खड़ा कर दिया, डांट दिया, बाहर खड़े रहो, क्लास से निकल जाओ, 2 दिन मत आना, वो जो सजा दे रहे हैं, जो भी पनिशमेंट दिया जा रहा है वो शिष्य के सुधार के लिए दिया जा रहा है, द्वेष बुद्धि से नहीं। उस पनिशमेंट में भी उनकी करुणा छिपी हुई है, उस डांट में भी उनका वात्सल्य छिपा हुआ है। लौकिक विद्या देने वाले और अलौकिक ज्ञान देने वालों की तो बात ही क्या है। ऐसे हमारे दिगंबर गुरुओं की बात करो, हमारे विद्वानों की बात करो, उपकारी लोगों की बात करो, दोनों आ गए, लौकिक विद्या देने वाले और अलौकिक विद्या देने वाले, और अपने से बड़े माता पिता, माता पिता तो नियम से बड़े ही हैं, बड़े भाई, हमारे बड़े भाई हैं। अरे नहीं नहीं साहब, भाइयों का तो हाल ही खराब है क्या, आप कहाँ बड़े भाइयों की बात कर रहे हो, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, बड़े भाई साहब के कहने में आ जाए तो समझ लो फिर तो घर ही छोड़ना पड़ जाए, हमारे वो सारा हड़प लेंगे। नहीं भाई, वो प्रसंग नहीं है, यहाँ तो शिक्षा और उपदेश देने संबंधी बात है, धन के बंटवारे संबंधी बात नहीं चल रही है। वो जो बात कह रहे हैं, और विशेषकर ये बात विवाह के बाद की बात मत समझना, उसके पहले की बात समझना। क्या आप यदि 10 साल के हैं और बड़े भाई यदि 15 साल के हैं तो वो 5 साल बड़े हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है, वो कोई बात आपको कह रहे हैं तो समझदारी से कह रहे हैं। आप यदि 15 साल के हैं और वो यदि 20 साल के हैं तो उनका उनका अनुभव ज़्यादा है। ये जो आपसी मनमुटाव होता है ना, ये बात तो शादी के बाद की बातें हैं, स्वार्थवश। फिर तो जब संपत्ति का बंटवारा होने का समय आता है, धन का बंटवारा होगा, बिजनेस का बंटवारा होगा, फिर वो बहुत तरह की बात की बातें हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि शादी के पहले एक पिता के 2 पुत्रों में बंटवारा हुआ हो, बोलो आपने कभी देखा है सब? मैंने उस उम्र तक की बात को यहाँ समझना चाहिए। तो दादा दादी हैं, माता पिता हैं, सारी बातें इसमें शामिल हो गई। अपने लिए उपकार करने वाले और एक शब्द जोड़ दिया, इसके अलावा भी माता पिता, बड़े भाई, लौकिक शिक्षा देने वाले और अलौकिक ज्ञान देने वाले, इनके अतिरिक्त भी एक और वाक्य जोड़ दिया गया, अपने लिए उपकार करने वाले। निर्णय करना, ये साधर्मी है हमारे, इन्होंने आज तक हमारा भला किया है,
हर काम में हमारा सहयोग किया है, तो आपको उनके बात का विद्रोह नहीं करना चाहिए, माने कृतज्ञ नहीं मत होना। ऐसे में तो आचार्य कुनकुन जो है वो मुनि दीक्षा ले ही नहीं पाते क्योंकि उनकी माँ तो मना कर रही थी। नहीं, राजी किया बाद में। ऐसा नहीं है, तो समझाया ना, राजी किया ना। आचार्य कुनकुन स्वामी की ही क्या बात करें, हमारे दिगंबर संतों के दीक्षा लेने की विधि में यह बात शामिल है कि माता पिता और परिवारजनों को समझाकर उनसे आज्ञा लेकर दीक्षा ले लें, ये बात शामिल है दीक्षा विधि में। आप घर से झगड़ कर दीक्षा ले लो, ये बात नहीं चलेगी। घर में झगड़े कर लिए, विवाद कर लिए और जाकर के ले लो आप। अरे भाई, आपने प्रवचन सार नहीं पढ़ा क्या? प्रवचन सार 201 नंबर गाथा की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आचार्य कुंदकुंद स्वामी स्वयं ही कह रहे हैं, माता से आज्ञा लो, पिता से आज्ञा लो, परिवारजनों से आज्ञा लो, पत्नी आदि से आज्ञा लो। ऐसे कौन आज्ञा दे देगा कि नहीं, जब तक उनसे आज्ञा नहीं होगी तब तक काम नहीं। आप आत्मकल्याण के लिए जगत के जीवों को दुखी नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति से आपने 2 करोड़ का उधार ले लिया और उसके बाद में आपने ले ली दीक्षा, बोले मैं तो बाबा बन गया, अब तेरे को किससे क्या करूं मैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। पहले चुकाओ उसके बाद में दीक्षा लो। माथे पर वजन लेकर के दीक्षा नहीं होती है क्या? कुछ नहीं, नहीं होता है ऐसा। और वो भी जो जिनके घर का माहौल इतना प्रतिकूल है, इसका मतलब तुम्हारा वैराग्य क्या है? तुम अपने घर में घर के लोगों को नहीं समझा सके, तुम दीक्षा लेने के बाद में जगत जनों को समझाने का प्रयास करोगे? बोलो, माने कितनी बातें उसके अंदर छिपी हुई है। घर के 2 आदमी तो संभलते नहीं है तुम्हारे से, वो तो तुम्हारी आज्ञा में चलते नहीं है, वो तो तुम्हारी मानते नहीं है, उनको तो तुम्हारा वैराग्य पसंद आता नहीं है। और तुम दीक्षा लेने के बाद में समाज के लोगों को कहोगे ऐ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर, फिर तुम कहो समाज वाले मेरे हिसाब से चलें, मैं दुनिया हमारे हिसाब से चलें, फिर कहोगे मैं दीक्षा दे करके और शिष्य बनाऊंगा, आचार्य हो जाऊंगा, फिर सारे शिष्य मेरे निर्देशन में चलें। तुम्हारे में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारी वाणी से प्रभावित होकर के देखो, बच्चों को पालते समय माता पिता भी समझते हैं इसकी परिणति कैसी है, पूत के पग पालने में दिखते हैं क्या? और जिन बच्चों में दीक्षा लेने के संस्कार हैं, वो संस्कार भी व्यक्तिगत नहीं है, वो संस्कार भी तो परिवार से आए हैं ना। वो जिस घर में आकर के ऐसे 11 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले जो मुनि हुए कुंदकुंद स्वामी, 13 साल 15 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली हो, मैं आपसे पूछता हूँ, ये दीक्षा लेने के संस्कार, ये माहौल, ये वातावरण, ये वैराग्य, ये सब बातें उन्होंने कहाँ से सीखी? ऐसा ही था माहौल घर का भी, तो कैसे विरोधी हो सकते हैं? बहुत विस्तार से चर्चा बतलाई है टीका में, उसको अमृत चंद्र स्वामी ने खोला है, बहुत सुंदर चर्चा है वो, वहां से प्रवचन सार से पढ़ने योग्य है। जीवन जीना सिखाते हैं भाई साहब, कैसे जीवन जिया जाए ये बातें बताई जाती हैं हमारे यहाँ ग्रंथों में। द्रोण का अर्थ अहित विचारना, वैर भाव रखना है। द्रोण, गुरु द्रोण की बात कर रहे हैं ना, ये गुरु द्रोहाम, गुरु के प्रति विद्रोह की बात कर रहे हैं। विचारना, अहित विचारना, बैर भाव रखना, गुरु द्रोही का अर्थ गुरु का वैरी होना है, और कृतघ्न का अर्थ किए हुए उपकार को न मानना है। उन्होंने कितने उपकार किए, आप अपने ऊपर किए गए अपने बड़े भाई के उपकार को नहीं भूल सकते। जब आप छोटे से थे, उंगली पकड़ करके चलते थे क्या, स्कूल में भी कुछ तकलीफ होती थी तो आपके बड़े भाई आपको संभालते थे, आप उन उपकारों को कैसे भूल सकते हो? आपके माता पिता के आप उपकार को कैसे भूल सकते हो? बचपन से जो कदम कदम पर, अभी तो आप बड़े हो गए तो आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन आपका बोलना, आपका चलना, आपका खाना पीना, आपका एक एक अक्षर, आपका उंगली पकड़ करके स्कूल जाना, होमवर्क करना, क ख ग ए बी सी डी सब, ये कोई कम है बातें? अनगिनती बातें लागू होती हैं उनके ऊपर। तो ये कह रहे हैं, और अपने जो गुरुजन हैं,
उन्होंने जो सिखाया है आपको, गुरुओं ने जो आपको बातें सिखाई है, कहते उनके उपकार को न मानना और उपकार को भूल जाना, बोले कृतघ्नि है किए हुए उपकार को भूल गया है, देखो कुछ होश नहीं है। अपने गुरुओं के उपकार को न भूलें, कृतघ्न का अर्थ किए हुए उपकार को न मानना है। गुरुद्रोह व कृतघ्नपने का भाव अति तीव्र कषाय रूप परिणाम, ये विद्रोह का परिणाम, ये मंद कषाय का भाव नहीं हो सकता है, ये तीव्र कषाय में इस प्रकार का भाव होता है, अत्यंत तीव्र कषाय है ये, विशुद्धि लब्धि वाला जीव नहीं है ये, सम्यक दर्शन के लिए पात्र नहीं है ऐसी तीव्र कषाय वाला जीव। तीव्र कषाय के निमित्त से ज्ञानावरणादि घाती और अन्य पाप कर्मों का अधिक स्थिति अनुभाग वाला कर्म बंद होता है, और जब इस कर्म का उदय आएगा तब नियम से ज्ञान भी हीन और कम होगा। ओहो, ये देखो कि साहब क्या बात कर रहे हो, गुरुओं के प्रति विद्रोह करने से कौन सा ज्ञान कम हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कर लिया तो कर लिया, उपकार का उपकार, नहीं माना तो नहीं माना। ये सुनो भाई, आपकी जो तीव्र कषाय है, इस तीव्र कषाय के निमित्त से ज्ञानावरणादि का घात होगा, घाती कर्म, ज्ञानावरणादि घाती कर्म और अन्य पाप कर्म, उनका स्थिति अनुभाग ज्यादा होगा। करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान में थोड़ा पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए आपकी सब बातें चल रही है, लेकिन जैसे ही इस पाप कर्म का उदय आएगा तब कैसी प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी। आखिर तीव्र कषाय के वर्तमान परिणामों से पाप कर्म की स्थिति अनुभाग तो बढ़ते ही हैं, पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म उनकी स्थिति और अनुभाग बढ़ेंगे, और वर्तमान में किए जा रहे पाप वो भी अधिक स्थिति और अधिक अनुभाग वाले बनेंगे। स्थिति मतलब टाइम पीरियड, लंबे टाइम पीरियड के लिए कर्म बंधा, और अनुभाग मतलब फल देना, ज्यादा फल देने वाले वो हुए, तो स्थिति भी ज्यादा पड़ी, किसकी, पुण्य की नहीं पाप की। माने समझ लीजिए फ्रैक्चर हो गया, अब फ्रैक्चर हो जाने पर जो हड्डी टूटी है वो हड्डी आपकी 21 दिन में जुड़ेगी कि 3 महीने में जुड़ेगी, ये स्थिति है क्या? समझ रहे, और 3 महीने बाद में भी उसका ऑपरेशन करना पड़ा, फिर 6 महीने और खिंच गए, ये क्या हुआ? ये बोले ये वो जो पाप कर्म था ना, उस पाप कर्म का टाइम पीरियड जो 21 दिन में आकर के नष्ट हो जाने वाला था, जो 7 दिन का पट्टा हल्का सा बंद करके और निपटने वाला था, वो 7 महीने तक खिंच गया, ये स्थिति खिंच गई उसकी। ऐसे फल देने में जो इतना मंद था, जो बर्दाश्त योग्य दर्द था, जो बर्दाश्त योग्य तकलीफ थी, वो अनुभाग कम था, अब तकलीफ इतनी बढ़ गई कि वो बर्दाश्त के बाहर हो गई, ये उसका अनुभाग ज्यादा मिल रहा है। तो तीव्र स्थिति और तीव्र अनुभाग वाला कर्म बंद होता है, सावधान रहना, कषाय के परिणामों से सावधान रहो। देखो संसार दशा है, गृहस्थ दशा है, क्रोध का परिणाम, तीव्र कषाय का परिणाम, अभिमान मायाचारी लोभादिक के परिणाम, कषायें तो सारी बैठी हुई है, कषायें कोई चले थोड़ी ना गई है कुछ भी, तो ये तो सब आती है, भाव तो आएंगे लेकिन वो लंबे नहीं खिंचे। इधर आपका कषाय परिणाम लंबा खिंचा और उधर स्थिति लंबी बढ़ती जा रही, आप समझ रहे हैं? अभी मैं इस कषाय परिणाम से उस स्थिति का कंपैरिजन करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, 1 मिनट का कषाय परिणाम इज इक्वल टू 1 साल का स्थिति बंद, मोटा वैसे समझो आप तो समझ में आएगी, 1 मिनट का कषाय परिणाम और 1 साल की स्थिति, 5 मिनट का आपका कषाय भाव लगातार चला 5 मिनट तक, तो 5 साल की स्थिति, लगता है क्या कह रहा हूं मैं?
मैं तो पौराणिक उदाहरण के आधार पर उस बात को घटित कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कर्मों का तो चाल अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। लेकिन 22 मिनट के लिए जिन प्रतिमा दर्शन से वंचित रखा था अंजना ने अपनी जेठानी को, कितनी देर के लिए? 22 मिनट के लिए। और 22 मिनट की स्थिति कितनी पड़ी उसके? 22 सागल, 22 वर्ष, क्या 22 है? एक मिनट एक वर्ष के बराबर हो गया। ये तो ऐसा नियम नहीं चलता है, ये तो अपन, मैं तो इतना अपने बुद्धि में समझ में आया ना कि भैया तुम कर क्या रहे हो। 24 घंटे तक यदि आपने कोई कषाय किसी के साथ में पाली रखी, समझ लो आप गुस्सा किया 24 घंटे तक, तो वो 24 घंटे का गुस्सा हो सकता है आपको कभी 24 साल तक परेशान करे। ज्यादा हो गया, सागरों तक की बनती है स्थिति। 24 साल न करे तो 24 महीने परेशान करे आपका 24 घंटे का काम। कोई सावधान रहो भाई, कषाय को खींचो मत, कषाय को लंबी मत करो। उसका स्थिति भी कम हो और उसका अनुभाग भी कम हो, इसके लिए वर्तमान परिणामों को संभालो, अपने भावों को संभालो। क्या भैया? हाँ मैं मान जान रहा हूँ, मैं ये बैठे बैठे सोच रहे हैं कि काश भाभी आती आज प्रवचन सुनने। मन मन में ये चल रहा है, आज ही वो नहीं आई और आज ही ये कह रहे हैं ऐसी बात। सब पता लग रहा है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुना देना आप। तो क्या कह रहे हैं आप? ये जो तेरा ज्ञानावरणादि कर्मों का चक्कर है, अति तीव्र कषाय का जो परिणाम है, और तीव्र कषाय का परिणाम किसे कहा ये तो सुनो, तीव्र कषाय का परिणाम किसे कहकर के पुकारा है? गुरु द्रोह का परिणाम, माता पिता के प्रति द्रोह का परिणाम, बड़े भाई के प्रति द्रोह का परिणाम, अपने को शिक्षा देने वाले, अपने ऊपर उपकार करने वाले, अपनी हेल्प करने वालों के प्रति द्रोह का परिणाम, इस परिणाम का क्या होगा बोलो? इस परिणाम का क्या फल मिलने वाला है? बोले ये तेरे तो भविष्य दिख रहा है, तेरा क्या होने वाला है, तेरे साथ में फ्यूचर दिख रहा है। ये कह रहे पाप कर्मों का अधिक स्थिति अनुभाग वाला कर्म बंद होता है। हिसाब बंध जाएगा, बंधेगा तो बन जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, भूख लेंगे। अरे नहीं भाई सुन, और जब इस कर्म का उदय आएगा तब नियम से ज्ञान भी हीन होगा, कम होगा, और बुद्धि भी कमजोर पड़ जाएगी, मति भ्रष्ट हो जाएगी, याददाश्त क्षमता चली जाएगी, स्मरण शक्ति रहेगी नहीं, और वो ये भी हो सकता है तू पागल हो जाए, याददाश्त चली जाए, याददाश्त कम हो जाए, ऐसी मेमोरी हो जाए कि अभी पूछो और अभी गायब, अभी पूछो और अभी गायब, ऐसी स्थिति हो सकती है। 5 मिनट पहले कोई बात बतलाई थी और याद नहीं है, ये क्या हो गया? ऐसे झटके लगते हैं, ऐसे कर्म के उदय आते हैं। ये कर्म के उदय छोड़ते नहीं है किसी को, ये किसी के सगे नहीं होते। सावधान रहो इन कर्म के उदय से, इनको जीतने का तो एक ही उपाय है कि उदय से दृष्टि हटाकर स्वभाव को देखो, बस एक ही उपाय है। कर्मों को जीतने का उपाय है कर्म की तरफ देखना नहीं, कर्म से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव की तरफ देखना है, यही उपाय है। इसलिए कहा है कि कृतघ्नि की विद्या भी बिजली की चमक के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। ओ कृतघ्नि, बड़ा सुंदर शब्द है कृतघ्नि हिंदी का, गुणचोर, किए हुए उपकार को भूल जाने वाले गुणचोर। उस समय आज के 10 साल पहले उन्होंने उस काम में इतनी हेल्प की थी, 5 साल पहले उन्होंने ऐसा किया था, भूल गए उसको। ये व्यक्ति खराब बातों को तो याद रखता है, अच्छी बातें याद नहीं रखता। 10 काम अच्छे किए हों किसी व्यक्ति ने, हेल्प की हो आपकी, वो याद नहीं रहेंगे, और एक बार उसके माध्यम से कुछ काम ऐसा कह दिया कि अब वो हाईलाइट हो जाता है। सुनो भाई, यहाँ ये कह रहे हैं जो तुम्हारे साथ में अहित हुआ है वो अपने पाप कर्म के उदय से हुआ है, और जो हेल्प हुई है उसके लिए उसका उपकार मानो। देखो ये है जीवन जीने की कला। अपने साथ जो अनुकूल परिस्थितियां हुई है उसका क्रेडिट दूसरों को दो, और अपने साथ जो खराब परिस्थितियां बनी है उसका क्रेडिट अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों को दो, तो जिंदगी अच्छी चलेगी। लाइफ कैसी अच्छी चले,
मेरे साथ ऐसा ये मेरे साथ ऐसा करता है, करते हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये ऐसा। तो सुन भैया, ये तो हमारे बिल्कुल नहीं है, मैं तो पहले से ही जानता था, इसके साथ में पार्टनरशिप आपने की है ना, ये तो ये खा गए पैसा, ये ऐसा कर दिया। अरे कौन किसका पैसा खाता है भाई साहब, कोई किसी को लूटता नहीं है, ये अपने पाप कर्म का उदय चुका है। लेकिन होता उल्टा है, उल्टा कैसा है, अच्छा काम होता है तो मैंने किया और बुरा होता है तो इल्जाम दूसरे पे लगाता है। सर क्या हो रहा है, अच्छा हुआ ना ये क्रेडिट दूसरे को नहीं देना चाहता, मैंने किया है, मेरा किया हुआ काम है, मेरी मेहनत है, मेरा पुरुषार्थ है, ये क्रेडिट अपने माथे पर लेना चाहता है। हम कहते हैं आप अपने कार्य के, अच्छे कार्य का क्रेडिट दूसरों को दो, फिर देखो आप लाइफ कैसी होगी। और दूसरों के द्वारा किए गए दंड, अपराध, गलत काम का भी वो आप अपने माथे पर ले लो, फिर देखो आप, ये है उसको सुधारने का तरीका। परिणाम मंदी तब होगी। मंद कषाय की बात कह रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, मंद कषाय सिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्रंथ नीतिकारों के श्लोक है ना, क्या लिखा, अत्र है नीति कहकर के क्या लिखा नीतिकार, कह नीतिकार का मतलब जैनियों के लिए बात नहीं है, जन सामान्य के लिए बात है। नीतिकार का मतलब जीव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जो अपनाए उसके लिए है, जैन अजैन हिंदू मुसलमान कोई भी हो, ये नीतियां सबके ऊपर लागू होती है। नीति कहते ही उसे हैं जो लोक और समाज पर लागू हो, उसका नाम है नीति। पड़ोसियों पर लागू होगी, पड़ोसी आपको गालियां देता है, आप अपने पाप कर्म का उदय समझ करके शांत रहो। और आपके साथ कुछ अच्छा हुआ उसका श्रेय पड़ोसी को दे दो, अरे नहीं नहीं साहब सब आप ही की वजह से, ये इसका मतलब ये नहीं है, चापलूसी नहीं है, आप समझ रहे हैं, इसका नाम चापलूसी नहीं है, इसका नाम व्यवहार है, लोक व्यवहार है। निकृष्ट आदमी तो और सर पे चढ़ जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो सब आपको बहुत बातें बैलेंस बना करके चलनी पड़ेगी। चलिए पूरा करते हैं प्रकरण को, क्या कहना चाहते हैं यहाँ आचार्य देव। जीव ने क्रोधादि कषाय परिणाम किए और तत्काल ही ज्ञान चला गया, ऐसा होना अनिवार्य नहीं। इसने गुस्सा किया और ज्ञान चला गया, ऐसा तत्काल थोड़ी ना होता है। अब ये तो आएगा लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर, अरे भगवान के घर की बात नहीं है, कर्मों से डर, भगवान के घर नहीं, तेरे कर्मों की बातें। जीव ने क्रोधादि कषाय परिणाम किए और तत्काल उसी समय गुस्सा किया और ज्ञान चले गए। अरे यदि गुस्सा करते ही ज्ञान चले जाया करे, ऐसा हो जाए तो लोग सावधान ही हो जाए, सभी सुधर जाए, ऐसा नहीं होता। तत्काल ही ज्ञान चला गया, ऐसा होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कर्म का बंद होने पर भी उसका अबाधा काल पूर्ण हुए बिना कर्म का उदय आता ही नहीं है। बंधने के बाद भी अबाधा काल चलता है, अभी बंधा आबाधा, जब तक वो कर्म उदय में नहीं आता तब तक के काल को क्या कहते हैं, अबाधा काल। अबाधा काल तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा, और फिर जब उदय में आना चालू हुआ फिर क्या होगा, बोले बस अब जीवन भर के किए हुए पाप जब तक उदय में नहीं आ रहे हैं तब तक गाड़ी सुख शांति से चल रही है, और एक दिन खाट पकड़ ली, अब वो स्थिति कितनी लंबी चलेगी, बोलो। अब बिस्तर पकड़ लिए, अब क्या हुआ, और 10 साल से बिस्तरों में, ओहो ये क्या हो गया, और इतनी तकलीफ, ये स्थिति है, फ्रैक्चर की स्थिति की बात, कई बीमारी की स्थिति की बात समझ लो, कुछ भी लंबे समय तक चलती है, क्षण मात्र का अपराध और लंबे समय तक भोगेगा। मनारसी दास जी की एक पंक्ति नाटक समय सार की, मैं उसको उल्टा करके कहता हूं, कौन सी, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, नाटक समय सार की लाइन, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, उल्टा कर दो, एक समय की भूल में अनंत काल गंवाएगो, ये चूक है एक समय की, सावधान रहो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन
दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतर्राष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।